खरगोन जिले में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। बीमारी की चपेट में 3 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन अब और सख्त हो गया है। दरअसल प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए लगातार आमजनों को सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है। बावजूद इसके लोग नियमों का उल्लंघन करके बीमारी को सरेआम न्योता दे रहे हैं। लिहाजा स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए लोगों पर चालानी कार्यवाही करने का मन बनाया है। इस दौरान SDM सत्येंद्र सिंह ने मीडिया के माध्यम से आमजन को जागरूक करने के नाम पर संदेश दिया है कि मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करें, जिससे महामारी से निपटने में सफलता हासिल हो। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। पिछले दिनों निरंतर संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं आपके माध्यम से नगरवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि पिछले 2-3 दिनों में जो 2-3 मौतें हुई वो लापरवाही के कारण हुई। वो मास्क का यूज नहीं करते थे, जैसे उनको सर्दी खांसी की समस्या हुई वो खुद ही दवा खाने से दवाई लेकर खाना शुरू कर देते थे, और जिसका अंतिम परिणाम ये हुआ कि वो मौत के मुंह में चले गए। अतः मैं सभी नगरवासियों से अनुरोध करूंगा कि ये निरंतर मुहिम चलाया जा रहा है, घर से जब भी निकले सुरक्षित मास्क पहन कर निकले, ये मेरा सभी से अनुरोध है। सर एक ये प्रॉब्लम भी आ रही है, जैसे होम आइसोलेशन में कई लोगों को रख रहे हैं तो वो बाहर निकल जाते हैं और सोसाइटियों में पहुंच जाते हैं, इस तरह के मामले भी आ रहे हैं। नहीं, होम आइसोलेशन वाले पेशेंट को तो डिस्ट्रिक्ट कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वहाँ से सतत निगरानी हो रही है। पॉजिटिव केस में तो ऐसा अपने को कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन जिनको होम क्वारंटाइन किया गया है, जो संदिग्ध हैं, जिनकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, ऐसे लोगों की निरंतर शिकायतें जरूर प्राप्त हो रही है। हम लोग प्रयास करेंगे कि वो लोग भी अपने जहाँ पे उनको होम क्वारंटाइन किया गया है वो सुरक्षित वहाँ पे रहे। लोग इलाज नहीं करवाते, जाँच नहीं करवाते। अभी 700 पर डे सैंपलिंग का हमारा डाटा है, जो कि लक्ष्य के अनुरूप है, और जहाँ भी ऐसे समस्याएं आती हैं हम लोग समझा बुझा करके उनकी सैंपलिंग लेते हैं, और जहाँ भी ऐसी दिक्कत आएगी उनके खिलाफ हम 188 के तहत IPC के तहत कार्रवाई भी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।